झारखंड के जनता गुड़ गोबर में या झारखंड के देवता रेंज रोवर एक मतलब थोड़ा सा तोहनी हमें बताओ रेंज रोवर एक आज से एक साल पहले हमने रेंज रोवर डाला हमने कहा करे अरे राज बंगला पे देखा तोहनी बता ककर खाते बने अगर हेमंत सोरेन के बात करवा तो अगर पीए के ना पिंटू श्रीवास्तव कहा अगर सुदेश बाबू के बात करवा तो अगर मालिक के ना विष्णु अग्रवाल का पार्टनर अरे भाई राज कतर खत्म हो गए नहीं ठीक है ना सुदेश बाबू के अगर अपन पार्टनर ढूंढा कलाई तो विष्णु मुंडा विष्णु महतो के ढूंढ लेते अपन लोग के बराबरी में कोई नहीं देखे चाहते ने राज का कहते बना सीधा सवाल कोई हमने झगड़ा करना है तो हमने के 20-25 साल राजनीति में देख लियो तो हमने जब नायक कर ले तब हमने के यहाँ उदय कर ले आज अगर हेमंत बाबू बात कर ले क्या लगे भाई सुप्रियो भट्टाचार्य क्या लगे सुप्रियो भट्टाचार्य तो रखते ले सुप्रियो मराठी के रखते ले सुप्रियो मेहता के रखते ले सुप्रियो तेली के रखते ले सुप्रियो तो आज झारखंड राज्य के राजधानी रांची जिला के ऐतिहासिक विधानसभा सिल्ली के इस पावन धरती में जितना भी जनता जनार्दन आयले हा आटल हा जुटल हा जकर में हमने के अभिभावक हमनी काका जेठा मामा मौसा फूफा सब हमनी नौजवान संगी साथी सब हमनी छोटे छोटे भाई सब और हमनी माय मौसी काकी जेठी दीदी सब सभी के एक संग सुभार कराई नमस्कार कराई आदाब कराई जय जय हमार से थोड़े लगा सभी के गौड़ लगाई हो और जय जय हमार से छोटे लगा अपनी का आशीष दे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम मीडिया कर्मी सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया डिजिटल मीडिया जितना भी मीडिया के स्रोत था तो अपनी के भी बहुत बहुत अभिनंदन कराई हो तो अपनी के स्वागत करे आज के इस कार्यक्रम में हमी के केंद्रीय टीम के तमाम पदाधिकारीगण तमाम सदस्यगण हमी बीच में अल्पसंख्यक टीम के पदाधिकारी तमाम सदस्यगण हमने बीच में महिला टीम के तमाम पदाधिकारी सदस्यगण साथ ही साथ प्रमंडल जिला प्रखंड और पंचायत टीम के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण सभी के एक संगे जुहार कराई नमस्कार कराई आराम करे अगर सभी के नाम लेना संभव न है एक्चुअली हम कभी कभी नाम ले है लेकिन कोडरमा में कैसे घटना कर ले कि एक किधर के नाम छूट के लिए बेचारा ओकर बाप भी अच्छा ना लगा लेकिन लेकर अच्छा भाई छोड़ अब सभी कैसे ने कहा था ऐसे भी यहां नाम है सभी काम करे कर ले आले तो आज सबसे पहले देखा तो हमने कहके बात कर क्योंकि बहुत सारा बात रखल थे हमने के पूर्व वक्ता देवेंद्र दा भी एकदम भावनात्मक रूप से तोहनी बीच बात रख रहा था सबसे पहले तो अपन बात के राखे से पहले तोहनी के बहुत बहुत धन्यवाद दे हो कि तोहनी लोकसभा के चुनाव में सिल्ली में बहुत ज्यादा वोट डाला था तोहनी के बहुत बहुत धन्यवाद बिना कोई खर्चा के बिना कोई चर्चा के और बिना किसी बूथ मैनेजमेंट के 50,000 के आसपास वोट लाना और भी आज के डेट में जहां लोग मतलब खाली मैंने पैसा ही पैसा मैंने जनता के बीच भेजे के काम कराते उलझे के काम कराते उस परिदृश्य में उस समय में हमने इतना वोट तोहनी दिला जीत हार अलग बात है लेकिन रांची के सांसद तोहनी देवेंद्र दा हो कोई दिक्कत ना है जहां भी तोहनी के जरूरत पड़ो जहां भी तोहनी के काम पड़ो वो जरूर तोहनी के साथ खड़ा है 1,32,000 कोई मामूली बात ना लो हम तो कायलो बोलिए कि संजय सेठ भले सांसद जीत गए अच्छा बात है वो मंत्री भी बन गए राज्य प्रभार से ओकरा बधाई दे है लेकिन हम ओकरा कभी लीडर नहीं माने कभी लीडर नहीं माने नेता ओकरा कभी नहीं माने अगर अगर वो ओकरा चाहे कि हम ओकरा नेता मानिए तो चले वो अपन दम पे वो वार्ड पार्षद के चुनाव लड़े और 10,000 वोट आने अपन दम पे अरे तो व्यापारी के बेटा लागले अरबपति के बेटा लागले बीजेपी अरबपति के खोज बुलाए टिकट दे दलो जीत गए अरे संजय सेठ जी ओकर जगह अगर कोई दीदी सबके लिए बीजेपी वोट दो ना तो रांची से फिलहाल जीत गई रांची लोकसभा सीट में फिलहाल देश में जो माहौल हो बीजेपी के लाइक है जिस प्रकार से वो धर्म के नाम में भगवान के नाम में जो माहौल बन ले हो ओकर में ककरो दे ओकरा तो छोड़ दिए हमर ई पलटुओं के दते तो कने गेले पलटुआ एक रोज के कसम खाए के बोले रांची लोकसभा की एमपी बनी तो संजय सेठ को अरबपति लागले टाका वाला लागले लेकिन हमनी के जो प्रत्याशी हलाय चाहे अपने के हजारीबाग के संजय दा रहे रांची के देवेंद्र दा रहे या धनबाद से इकलाक साहब रहे
नाकोर वोट ले आना, बिना बूथ मैनेजमेंट के लाना, ईटा खातिर कोहनी के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देवान, कोटि कोटि आभार देवान। और केवल आभार ही नहीं देव, कोहनी ने हमने ऊपर 1.5 लाख, 1.25 लाख, 3.5 लाख वोट दे के जो विश्वास जतेले है, उस विश्वास में हमने आखिरी सांस तक खड़ा रहा। कोहनी जब वोट दे के विश्वास जतेले है, उस विश्वास में हमने आखिरी सांस तक खड़ा रहो, इस बात के हमने वचन दे। मौसी कहां जा रहे? ए मौसी, हम ही इल्लू तक नहीं जा रहे, हम माना ये रोजवा बहुत ज्यादा है, जहां जो जो तबियत खराब हुई तुझो, अगर मान हो तो बैठी है, जबरदस्ती ना बैठी, ताकि हमें मोदी जी और हेमंत सोरेन ना लगे कि बात नहीं देखो बंद कर दो। प्रधानमंत्री के ऊपर कार्यक्रम है, देखिए बाहर से गेट बंद कर दो, जे जे निकलने करे बाप अच्छा नहीं बाहर निकल गए, मुख्यमंत्री के डुमरी में से बंद कर दो, लेके तो हम भी ऐसा नहीं कर, अगर जाए की इच्छा है, घर पर काम है, यदि रोगवा कहीं ज्यादा लगे तो नहीं जा पाए, कोई जबरदस्ती ना है। ऐसे भी कोहनी घरों में मोबाइलों में सुना तो हमको बहुत बड़ा बात, यहाँ कोई दिक्कत ना, कोहनी घरों में मोबाइल में सुना ऐसा थोड़ी बात है, तो अगर कोई तरी तबियत खराब लागल है तो कभी पानी पिए हिंदे जा सकल है, ताकि हम भी समझ सकल है, आजू के रोजवा दे एकदम झिलखिला लिए, रिजवान का कहिए चलो टाइगर के एंट्री भर गर्मी नहीं बढ़ते तो फिर बेकार हो। रिजवान का हर एक बात बोल लो, झारखंड के जनता गुड़ गोबर में और झारखंड के देवता रेंद रोबर में, एक मतलब थोड़ा सा कोहनी हमें बताओ, रेंज रोबर आज से एक साल पहले हमने रेंज रोबर डाला, हमने कहा करे किधर बिहार शादी में अगर बराती जाना है तो स्कॉर्पियो में बैठ जाओ, बोलेरो में बैठ जाओ, यह सब गाड़ी बैठा है, तो हम बंबई गए लोग कार्यक्रम में, तो हुआ हमारे को दोस्त भाड़ा में वो गाड़ी लगा लो डिफेंडर, उधर रेंज रोवर लगा, हमारा कुछ मालूम ना, हमारा बैठे लो और बैठाई के हमारा ले गए सभा में, अब झारखंड में पूरा बारे भाई लो पिता इधर रेंज रोवर में बैठे लो, इधर रेंज रोवर लगे की तो पता चल रहा बहुत महंगा गाड़ी है, और ईमानदारी से बोला यो आज भी बंबई के पूछ लियो भाड़ा से अंदर अपन मालिक से बोल कर जहाँ नौकरी करा लो, कहे मालिक हमारा दोस्त झारखंड से आ रहा है तो हमको 2 घंटा की अपना गाड़ी दीजिए, उसको बैठा के खाली सभा तक लेके जाए, यानी बहुत महंगा गाड़ी, तो यहाँ के चढ़ो होगी, यहाँ कोई नेता चढ़ो होगी सिल्ली में बेटी, तो गजब दो दो को बताओ, यानी आज हमी के जनता की दशा ध्यान से देख, जब लड़का सबके छोड़ दी माए मौसी सबके चेहरा तो देख एकदम उदास, जैसे अपने ससैया लड़ाई कर ले, लेकिन झगड़ा है ससैया लड़ाई के झगड़ा नहीं लगे, इधर चिंता भविष्य के लगे, भविष्य के चिंता मतलब कि आज धीरे धीरे महंगाई बढ़ रहा है, आज हर एक चीज के दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, दाल के दाम बढ़ रहा है, आटा गेहूं चावल के दाम बढ़ रहा है, रसोई के हर एक सामान के दाम बढ़ रहा है, और आज नेता सब के कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई रांची में प्लेट बनाए के रहा है, कोई तो मना कर जाए के दिल्ली में प्लेट बनाए के रहा है, और जे जनता ओकरा उम्मीद से वोट दलाय आज वो अभी भी गरीबी के खस्ता हाल में जीवन जी रहा है, उनका कोई ससैया के झगड़ा के सिकन नहीं लगे, इस सिकन लगे भविष्य, भविष्य के चिंता लगे, बिल्कुल साफ साफ देख रहा हूँ, बताओ 25-30 साल के दीदी साहब बुझा रहा थे 35 साल 40 साल भाई गए, बताओ एक तो काला मेहंदी लगाई गया थे चुलियो पाके लगा लो, ये गलत बोले हो, तो भाई आखिर का है ये दुख ये तकलीफ का है झारखंड के साथ, बताओ ये दुख की तकलीफ का है, आज कितना उम्मीद से झारखंड राज्य अलग कर लिए, आज यह धरती की अगर बात करवा तो बगल में और मांझी शेख भिखारी के शहादत, बगल में खोटी भगवान बिरसा मुंडा के शहादत, अगर सिल्ली के बात करवा तो चुहार विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो के शहादत, ये आसपास इतना इतना वीर के बलिदान करे, इतना इतना वीर के फांसी लटकल गए, इतना इतना वीर के गोली मारल गए, तब जाके हम झारखंड राज्य बने लिए, आज अगर झारखंड के दुर्दशा यह रहता है तो लाना से रखने पे जे हम एक वोट लेके सदन में जाके काम कर ले। आज एक बात समझे आपको कि झारखंड राज्य अलग ककर खातिर भय, आज तक हमने समझा ना पा ले कि झारखंड राज्य के अलग क्या भय, देख झारखंड राज्य ओकरे खातिर अलग भयो जे किसान जे कामगार जे मजदूर जकर खेत बाड़ी, झारखंड राज्य खेती बाड़ी वाला ताकि बड़े लोग खातिर कभी ना देश आजाद भयो ना झारखंड अलग भयो, आज तो हम अगर भारत देश के इतिहास के भी पढ़वा ना
तो ओकर में 10% 15% आदमी भारत के ऐसा भलाय जे चाहले कि अंग्रेज भारत से नहीं जाए, लेकिन ओकरा कोई दिक्कत ना हल। अंग्रेज के साथ ओकर अच्छा ट्यूनिंग हलय, वो अच्छा पैसा कमू हलय, ओकर अच्छा बड़ा बड़ा व्यापार रहलय, बड़ा बड़ा महल कोठी रहलय। तकलीफ हलय किसान वर्ग। आप झारखंड में भी यह समस्या लग, झारखंड अलग भरलय जकर ऊपर शोषण भरलय, सब जगह झारखंडी सबे लगलय लेकिन शोषण सबके ऊपर ना भरलय। भले झारखंडी लगे लेकिन शोषण सबके ऊपर ना भरल है, यानी जकर ऊपर शोषण भरल है अखनी आगुआ के लड़ाई लड़ रहा है कि झारखंड राज्य अलग करना हो। अब शोषण माने की शोषण माने सताना। अब कहीं बार बार सास पुछो वाला सतवा वाला मैटर ना लिया दिमाग। हाँ सताना माने शोषण, अगर हमारी भाषा में सताना बोला है शोषण लगो किताब के साथ सतवे ना सताना तो हमने के सतवा। अब कैसा सतवा हल जैसा देखिए, पहला बात अभी हम बोल लियो कि जगह खेत लग लो ओकर ऊपर शोषण व्यवहार भले वो झारखंडी कहने लगे अगर खेत नहीं रह बहुत सर। अभी रखा टाटा, टाटा है लो टाटा के खेत नहीं लगे खेत पकड़ लग रहे हमने के हिंडालको चल के लो हिंडालको के खेत लग रहे की खेत पकड़ लग रहे हमने के। तो शोषण माने होते भी नहीं के हिंडालको हमने एक जमीन ले लो टाटा हमने एक जमीन ले लो तो की भलो हमने के शोषण यानी हमने के सतैलो। सतैलो कैसे नहीं खेती खेत जब रहा है हमने पास तो हमने दादा पर दादा कर खेती करा ले हार जो कहा धान कहीं गेहूं कहीं बाजरा कहीं मड़वा उगवा ले कि नहीं जैसे हल पूरा परिवार खा हल पूरा परिवार चल हल। लेकिन आज हिंडालको में हमने जमीन चल गए ककरो 10 एकड़ गेलो ककरो 15 एकड़ गेलो ककरो 10 डिसमिल गेलो गेलो कि नहीं। लेकिन आज की हो बताओ वहाँ कितना परिवार के नौकरी मिलो कितना परिवार के नियोजन पीढ़ी दर पीढ़ी मिलो मिलो कि जबकि यहाँ एक एग्रीमेंट रख लियो। अभी एग्रीमेंट हम पॉकेटो में भर रहे एक साफ साफ लिखा लो कि पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिली और कोई गलत भी ना हो। अगर हिंडालको में सिल्ली वालन के मूरी वालन के जमीन गेले है चाहे वो कोई समाज के रहे मुर्मी समाज के रहे मुंडा रहे चाहे लोहरा रहे या कोई रहे अगर ओकर जमीन उस हिंडालको कंपनी में घेले है तो हिंडालको के कर्तव्य है हिंडालको के दायित्व बन है कि उस परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना। ये खातिर पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना कि अगर खेतवा हमारे यहाँ रहता है तो हमने पीढ़ी दर पीढ़ी खेती लेगी खेतवा हमने पीढ़ी दर पीढ़ी खेती लेगी ना तो सह खातिर अगर हमारे जमीन कोई कंपनी ले लाए तो ओकर कर्तव्य होना चाहे कि हमारे परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिले। तो इसीलिए देखा अब सवाल हो कि तौर की पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी नहीं मिल सकल हो मिल सकल। आप सुना चाहिए हमें 2 साल से कंपनी के बड़ी अच्छा समझ लिया कि कंपनी की करा है पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी भी मिल सकल हो हर एक साल नया नौकरी भी लोकल के मिल सकल हो। लेकिन समस्या यहाँ क्यों मालूम हो कि माइंड के चल अगर 100 परिवार है अगर अगला 20 साल बाद क्योंकि अगर एक पीढ़ी 20 साल बाद रहते हैं आपने तो 20 साल बाद अगर 100 नौकरी देता है तो मान के चल 20,000 रुपये महीना देता है तब वो की कर लाए कि भाई चलना जे वहाँ के विधायक लगे जे वहाँ के मंत्री लगे जे वहाँ के सांसद लगे ओकरे 10 करोड़ दे देंगे। बार बार नौकरी देने से अच्छा है कि एक बार ओकरा 10 करोड़ दे देलिए और ओकरे नेतृत्व के 10 लाख महीना बन गए ओकरा 10 लाख के अगर 100 नौकरी मिल चले तो ओकर से ज्यादा खर्चा हो चले। तो यहाँ कंपनी के मतलब लगो मुनाफा। पहला बात कंपनी में मानवता नहीं रहे कोई भी कंपनी रहे अगर एगो दू हो तो अच्छा बात कंपनी में कभी मानवता नहीं रहे कंपनी के मतलब की लगो मुनाफा। तो जे पैसा जे पेमेंट तुम्हारा 100 नौकरी खातिर दे लो वो वहाँ के स्थानीय विधायक के स्थानीय सांसद के महीना में 3 लाख 5 लाख 10 लाख जैसा कंपनी के इनकम है वो मंथली बन एक मतलब की हो कि अगर तुम पास अगर अच्छा लीडर मिल गए जे लीडर इनकार कर दो कि देख कंपनी हम आपका चंदा नहीं लेंगे आप जो हमको 2 लाख का चंदा दे रहे हैं बदले में 10 करोड़ को रोजगार दे देंगे। जिस दिन ऐसा लीडर झारखंड में आएगा जिस दिन लीडर ऐसा समझे लग लो इस राज्य में जितना नौकरी हो ना वकरा किसी राज्य में इतना 40% खनिज संपदा हमने यहाँ। लेकिन समस्या क्यों कि हमने के लीडर जो उठ के जाओ हमने बीच से जो हमने के
मोर गोबर साहब मैंने देखा है गोबर सूट के जाओ रेंज रोवर में चढ़ जाओ। वो लीडर सब के समस्या ओखनी जाए कि हमने नौकरी कभी बेचे के काम करो ओखनी हमने सारा सौदा करके काम करो। और ना है तो तुम्हें अगर जानना हो तो सिल्ली के राजा साहब हो रांची घूर गैया कांके में कहो की फ्लैट में 50% पार्टनरशिप हो न्यूक्लियस मॉल देगा तो लोग होते तो यहाँ 50% पार्टनरशिप हो बाजार गेला तो कहो तो यहाँ 50% पार्टनरशिप हो। अरे भाई ऐसा नेता होना चाहिए बताओ जे जनता तोरा वोट दे रो आज जनता मतलब सुख सुविधा के अभाव में त्रस्त है आज उस जनता के पास सुविधा से वंचित है आज तो रांची के हर एक कोना में फ्लैट हो हर एक कोना में पार्टनरशिप हो बताओ ऐसा नेतृत्व चयन होना चाहिए। और आज एक दिन से तो ना लगभग 25 साल रह गए 25 साल का समय कहला है लेकिन हटे खाले ना कि झारखंड के अगर सुधारना हो झारखंड के अगर बदलना हो तो बस दुनिया चीज रखने करना चाहे नेता जो हो अपनी नियत ठीक होना चाहिए। जिस दिन अपनी नियत ठीक हो जाए कि राज के लोग दुखे में रहते इस राज में इतना संसाधन है इस राज के लोग दुखे में रहते। अरे जिस राज में माफिया सब में दिन के करोड़ों रुपया कमाई के ले रहा है माफिया सब में माफिया माने की गुंडा टाइप के लोग गलत आदमी यानी जो मेहनत नहीं करे जो लोग के लूटे धमकवे चमकवे वो सब एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाए 1 करोड़ रुपया पेपर में तो नहीं पढ़ा लगा हमने बोकारो जिला के एक विधायक है और एक दिन के इनकम मैंने तो कोयला से 1 करोड़ रुपया तो इस राज में पैसा के रोजगार के आर्थिक स्थिति के कोई कमी ना हो कमी हो लीडर लीडर के सोच में जैसे यह है कि लीडर बताओ बता रहा है कि मैंने फेरी फेरी की गाड़ी चढ़ा कोई ऐसा क्षेत्र ना है जहां पर कोई कंपनी में जहां पर कोई फ्लैट में जहां कोई इमारत में अगर पार्टनरशिप ना है तो ऐसा लीडर से राज में चल लीडर होना चाहे जनता के जैसा जनता के बीच होना चाहे। इसलिए हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा कर ली है कि घोषणा कर ली है कि अगर हमने पार्टी से कोई नेता चुनाव जीतो कोई भी नेता विधानसभा के चुनाव जीते लोकसभा के चुनाव जीते तो 75% सैलरी जनता के दान करते क्योंकि जनता के वोट से जीतते अगर वो जनता के वोट से जीतता है तो फिर जनता के बीच होना था। और अगर जरा सा भी हमने के शिकायत मिल रहा है कि जनता के से दूरी बैठ गए या फिर जनता से अगर नाराजगी है तो इस बात पे निश्चित रहा हमने अगला बार ऐसा प्रत्याशी की कभी चुनाव के मैदान में लेके ना आए। देखा जब तक सोच नहीं बदल तो देश नहीं बदलता जब तक सोच नहीं बदल तो राज नहीं बदलता। आज हम तो पूरा विश्वास है कि एक एक को विधायक एक एक को सांसद ही इतना पैसा है ना अगर अपनी 10-10 लाख रुपए बांटते है ना तो कम से कम 1000 आदमी के बांट देते 500 आदमी के बांट देते। अरे कम से कम 500 आदमी तो मोटे थे वो 500 के संगे संगे अगर कहीं कोई चाय की घुमटिया लगाते है तो 2 बार लेबर रखते है 8 2 बार तो मोटे तो 500 होते 1500 तो भाई गले देश की स्थिति है। लेकिन चूंकि अखनी चाहना है कहना चाहे मालूम हो अगर सब बराबर भय जीता है सब जब अखनी बराबर भय जीता है तो अखनी झंडवा कैद होते आज के डेट में आदमी की चाह भारत देश के पूंजीपति जमीन चाहते ना भारत देश से गरीबी मिटाए रहते लेकिन सवाल है अखनी बराबर भय जीते ना अब कोई चाहते ही क्योंकि बराबर में एक जनता खड़ा भय जीते कोई चाहता है कि अगर बीच में जाकर खड़ा बैठे वो कभी नहीं चाहता। इसलिए आज हमने नेतृत्व में बदलाव करे हो और हमने बार बार कभी फोर्स नहीं कर लियो कि हमने के वोट करना हो हमने अपन विचार रख लियो और साथ ही साथ केवल विचार ना रख लियो हमने अपन आप उस रास्ता में लाए के गलियो तो हमने के अच्छा समझ में आए तो हमने वोट कर ली और इस बात के हमने आगो में विश्वास दे रहे हो कि जो विश्वास जनता हमने ऊपर कर ले है उस विश्वास के साथ हमने कोई समझौता नहीं कर आज बहुत मुश्किल से बहुत तप के बाद बहुत तकलीफ के बाद झारखंड राज्य बन ले आज इसी झारखंड राज्य के बनने खातिर हमने बाप दादा आजा कई केला आज भी कोई भी सड़क में घूम ले धनबाद रांची बोकारो हर एक गली चौराहा में मूर्ति मिलते मानुष है लेकिन अगर पूछे कि मानुष कखन मर रहा है तो आपको झारखंड अलग करे के टाइम मर ले कैसे मर रहा है ना पुलिस लाठी मार रहा है पुलिस गोली मार रहा है तो किसी भी चेंज है बहुत पे बोले तो ना कि झारखंड के आदमी बाहरी भित्री बोल हो वह टाइम उत्तराखंड राज्य बनल है वह टाइम छत्तीसगढ़ के राज्य बनल है तो झारखंड में की दिक्कत है। अरे भाई दिक्कत कहे ना हो
छत्तीसगढ़ बने में उत्तराखंड बने में एगो मुर्गी नहीं कटेल है और हमारे यहाँ निर्माता के गर्दन कटेल है। अपने हमारे राज्य के तुलना छत्तीसगढ़ उत्तराखंड से करने पर बर्दाश्त नहीं कर पता कर ले, छत्तीसगढ़ के इतिहास पता कर ले, उत्तराखंड के इतिहास पता कर ले, एगो वहां बिलार नहीं कटेल है राज्य एगो बिलार नहीं मरल है और हमारे यहाँ इस राज्य के सबसे बड़ा लीडर उस समय निर्मल महतो उस समय के सबसे बड़ा लीडर यानी सबसे बड़ा पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी राज्य के सबसे बड़ा पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और उस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सेंट्रल प्रेसिडेंट निर्मल महतो। तो हमारे राज्य में निर्मल महतो के शहादत मिले हमें अपन तुलना उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से कहे कर अगर कोई पढ़ल लिखल भाई तुलना कर है क्योंकि पढ़ल लिखल तरी स्वर बदल जाए हालांकि पढ़ल लिखल हम नहीं लगे लेकिन हमने जनता के बीच बैठा है जनता के बीच उठा और बीच हमने उठान बैठा न तो हमने के समस्या मालूम है लेकिन दो चार हमने के 100% पढ़ल लिखल है सब लोग अपनी अगर राय रखे कि ना एक समय तीनों राज्य अलग भरल है तो तीनों राज्य के नियम एक होना चाहे तीनों राज्य की नीति एक होना चाहे बिल्कुल ना हम हमेशा विरोध करबो उस राज्य के बने में एगो मुर्गी चेंगा नहीं कटाए लो हमारे यहाँ हमने के वीर सब के गर्दन कटाए लो हमारे राज्य के तुलना किसी राज्य से नहीं हमारे स्टेट के तुलना किसी स्टेट से नहीं है आ सिल्ली और मोरी के बारे की बात करो पंच परमणा बात बातें की करना तोहनी है आज तोहनी परिवार से कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर हतो जो झारखंड अलग भय वाले आंदोलन में भाग लड़ा जरूर कोई भाग लड़ा ये सब झारखंड आंदोलन के गढ़ रहा है मानभूम भालभूम का कर नाम रहा है शायद जब मानभूम के हिस्सा हो तो या कोई पार्ट के हिस्सा हो तो ये सब क्षेत्र में हमेशा आंदोलन भय वाला है लेकिन आज देख ले आंदोलन कर के क्या दल है कहां के आदमी फायदा उठा मैं बताओ आंदोलन क्या कर आज हमने आंदोलन कर लिए और बताओ रांची के सबसे बड़ा सेठ के है तो हमने बताओ हमारा तो मालूम ना है रांची के सबसे बड़ा धनी आदमी के है चल 100 आदमी की लिस्ट निकाल ओकर में पूछ के वो झारखंड में ओकर में पूछ के वो हमने लोकल आदमी तो ये राज कदर खाते हमने अलग कर दिए बताओ यह तो सवाल है आज हमने शौक ना हाल है आज अरे पसीना टप टप छू रहा है बिहान से खाना पीना कोनो ठेकान ना है कहीं रोटी खाइला कहीं भाड़ो भात खाइला उठ के चल गया कहाँ पीन ले कहाँ सुतले कोई मतलब ना है तो आज हमने ये जो अपन आपके हमने गलाए रहा है तपाए रहा है एक एक को सवाल पूछ रहा है हमने कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं कर ले ककरो से न हमने हेमंत सोरेन से लड़ाई झगड़ा करे है न सुदेश महतो से न बाबूलाल मरांडी से न अर्जुन मुंडा से हमने एक एक को सवाल पूछ रहा है कि तुमने 20 साल से सत्ता में है तो झारखंड राज्य अलग भला है जकर में हर एक बच्चा केवल अपना एंगल से कोई अपन पिता खोलाए कोई अपन चाचा खोलाए कोई अपन जेठा खोलाए तो कोई अपन भाई की खोलाए इस राज्य में ओकर की मिल रहा है अरे राज बंगला के देखा है तो हम ये बता ककर खाते बने अगर हेमंत सोरेन के बात करवा तो अगर पीए के है ना पिंटू श्रीवास्तव कहा अगर सुदेश बाबू के बात करवा तो अगर मालिक के ना विष्णु अग्रवाल का पार्टनर अरे भाई राज कतर खाते बने ठीक है ना सुदेश बाबू के अगर अपन पार्टनर ढूंढ खलाए तो विष्णु मुंडा विष्णु महतो के ढूंढ लेते अपन लोग के बराबरी में कोई नहीं देखे चाहते ने राज का कहते बना सीधा सवाल कोई हमने झगड़ा करना है तो हमने के 20-25 साल राजनीति में देख लियो तो हमने जब न्याय कर ले तब हमने के यहाँ उदय कर ले आज अगर हेमंत बाबू बात कर ले क्या लगे भाई सुप्रियो भट्टाचार्य क्या लगे सुप्रियो भट्टाचार्य तो रखते सुप्रियो मरांडी के रखते है सुप्रियो मेहता के रखते है सुप्रियो तेली के रखते है सुप्रियो महतो के रखते है सुप्रियो भट्टाचार्य के लगो अरे यार जब बाप के गर्दन रेत के पार कर दो भाई एक एक गांव में 7-7 को बलिदान भरत पक्का विष्णुगढ़ में गांव है संजय राय के लोकसभा में है एक गांव में 700 आदमी के जान गए यानी झारखंड राज्य का अलग तरह में एक गांव से 700 आदमी के जान गए आपके सुप्रियो भट्टाचार्य के मालिक बने गए विष्णु अग्रवाल के अरबपति बने गए तो झारखंड के हर एक बच्चा सवाल करो अरे ठीक आज तो पास सत्ता हो आज तो पास पावर हो आज तो पास पहुंचो तो जहां भी तो कभी अमित महतो कभी जोगेंद्र महतो के विधायक साटा करे कब तक चलते अरे कब तक भैया कब तक अपन से प्रमाण पुकार के तोरी ढाक के रहा कब तक इला चल तो कब तक चल तो या तो ही बताए दे अरे कोई सोच ना हाले बोला 30 साल के लड़का सब देख नाम नहीं कभी सब नया नया गिदर के को बिहार से नया बना है ले तो की सब पढ़े लिखे वाला अपन कंपटीशन की तैयारी करे वाला की करे चले हमने कहिया लंबा चला भक्त दिए के बस एक एक तो सवाल हो कि राज कतर लगो ये झारखंड राज कतर लगो बस एक ही सवाल झारखंड राज्य का कर लगा यदि झारखंडी के राज लगा झारखंडी के बस एक सवाल
झारखंडी के और झारखंडी हो कहां पास ऐसे सवाल हो, कहां हो हिंडाल्को में मैनेजर बन के हो कि एचएस में मैनेजर बन के हो कि टाटा जमशेदपुर के उषा मात्रा तमाम फैक्ट्री में मैनेजर बन के हो, कहां झारखंडी, कहां झारखंडी, झारखंडी वहां झाड़ू पोछा कर रहा, झारखंडी झाड़ू पोछा कर रहा, झारखंडी घास काट रहा कि हमने गलत बोल रहे, अगर एक भी बात गलत तो बोलिए तो किए हमने के गलत बात कह का अधिकार ना है समाज में, मीडिया के सामने हमने ही एक बार तो लोग 3 घंटा 4 घंटा से बैठा हुआ है, हमने अधिकार ना है कि गलत बात बोल भाई, हमने मोदी जी ना लगे फेंक के चलिए मैं उस दिन बोल रहा कि महात्मा गांधी को लोग फिल्म के बाद से जानते हैं तो फेंकिए।